हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। कैसे हैं आप सब और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप कि मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत तो यूज़फुल रह ही रही होंगी आप सब के लिए। और अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो मैंने समझाया है और आपको उसमें डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं। आपकी डेली बेसिस की थोड़ी थोड़ी मेहनत ना आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करवाने में हेल्प करेगी। नाउ गाइस, आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। इसमें ऑलरेडी वैसे मैं ये कोर्स स्टार्ट करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको इसका जो फर्स्ट ब्लॉक है वो करवाना स्टार्ट किया है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये बुक बहुत ही मोटी है और इसमें बहुत सारा सिलेबस है कवर करने को, तो प्लीज़ इसको तो सीरियस होके पढ़ लेना। लेकिन ये ईजी है क्योंकि ये लैंग्वेज है ना, तो आपको वन गो में चीज़ें इसमें समझ में आने लग जाएंगी। नाउ काम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो कोर्स है आपका BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स हैं आपके पास। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। टोटल 4 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में कम से कम 4 यूनिट्स हैं। एक ब्लॉक 4 में 5 यूनिट है, वो अभी दूर है, लेकिन अभी मैं आपको ब्लॉक 1 करवा रही हूँ जिसके अंदर ये यूनिट्स हैं। टोटल 4 यूनिट्स हैं जिसमें से फर्स्ट यूनिट अभी हम कर रहे हैं, What is language? Unique features of human language. Guys, पहले की videos में Unit 1 में मैं आपको check your progress करवा चुकी हूँ, plus intro मैंने already दे दिया है। आज की इस video में हम check your progress 3 से start करेंगे, तो please पहले वाली videos को देखें ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। Now start करते हैं check your progress 3 से। हाँ देखिए, अब यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 3 आपको दिख रही होगी, लेकिन ये जो सेंटेंसेस हैं इनको समझने के लिए पहले आपको इनका जो इंट्रो है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको इसका इंट्रो समझाती हूँ। ये टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन का एक अच्छा सोर्स है, हमारी हेल्प करती है। इसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं। ह्यूमन बींग्स नीडेड टू कोऑपरेट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, मतलब कि हमें सर्वाइव करने के लिए या चीज़ों को सीखने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो है लैंग्वेज। अब आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। हर किसी की एक नेटिव लैंग्वेज होती है, एक एरिया की, एक कंट्री की, एक स्टेट की, हर किसी की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। लेकिन जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं तो हमें या तो वहाँ की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए या फिर हमारे अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि हम उनको अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर बात कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की मैं करूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहली चीज़ तो सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या है? लैंग्वेज। इसके अलावा एंड फॉर एफिशिएंट कॉर्पोरेशन इन सेटिस्फैक्ट्री मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाज रिक्वायर्ड। नाउ देखिए, यहाँ पे जो एक लिंग्विस्टिक का नाम दे रखा है, जिन्होंने ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ प्राइमरी फंक्शंस दिए हैं। यहाँ पे टोटल 6 प्राइमरी फंक्शंस हैं जो कि रोमन जैकोबसन ने दिए हैं। देखिए, इनके ना नाम बहुत अजीब से, मेरे को तो ऐसा लगता है प्रोनंसिएशन भी नहीं आती इनकी, बट देख लीजिएगा आप। देखिए, जो रोमन सर थे ना, इन्होंने 6 प्राइमरी फंक्शंस को दिया है। इनके अकॉर्डिंग ये फंक्शंस होने चाहिए एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए और एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए। वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे, एक एक फंक्शन को मैं आपको समझाऊंगी। इसके बाद में आप चेक योर प्रोग्रेस 3 अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। नाउ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रेफरेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? एक प्राइमरी यूज मेथड होता है इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का, मतलब कि एक से दूसरे को मैसेज को पहुंचाना। विच वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न दैट लैंग्वेज वॉज डिस्कवर्ड, यही मतलब कि एक मेन वजह मानी जाती है जिसकी वजह से लैंग्वेज को डिस्कवर किया था। इसके अंदर जो रेफरेंशियल फंक्शन है ना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, ऑब्जेक्ट को, या फिर जो मेंटल स्टेट है किसी भी ह्यूमन की, जो मेंटल स्टेट है या आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में क्या चीज़ चल रही है उसको एक्सप्लेन करना, ये सब इसी के फंक्शंस हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। अब वो आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, कोई एटीट्यूड हो सकता है किसी भी राइटर या स्पीकर का, एंड इट इज़ मीन टू इवोक फीलिंग्स इन द लिसनर्स और द लीडर। अब ये वर्ड यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ चुका है। इवोक का क्या मतलब होता है? देखिए, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया है, टू प्रोड्यूस अ मेमोरी, फीलिंग एक्सेट्रा इन समबडी। ओके, मतलब कि कोई मेमोरी है, कोई याद है, कोई
जो आप याद ताज़ा करना चाहते हैं या फिर कोई फीलिंग है किसी चीज़ की, तो उसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं लिसनर को, मतलब जो सुन रहा है उसको, या फिर रीडर, मतलब कि जैसे हमारे पास बहुत सारे लिटरेचर्स होते हैं, नॉवल होते हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसमें ना आप जब पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे जो ऑथर है उसका माइंडसेट समझ आता है, उसके थॉट्स समझ में आते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या जो कंटेंट होता है उसकी ब्यूटी आपको समझ आती है। तो ये सब चीज़ें एक्सप्रेसिव फंक्शन में आती हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो हैपन व्हेन वी आर अलोन, मतलब ये जो एक्सप्रेसिव फंक्शन है इसके लिए किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जब अकेले हैं तो भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि जैसे कोई नॉवल है, कुछ आपने कोई राइटिंग करी है, कोई डिबेट दे रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके का आप राइटिंग कंटेंट करते हैं तो वो आप अकेले में लिख सकते हैं, बाकी उसको जब कोई पढ़ेगा तो उससे उस इंसान को आपके थॉट समझ में आ जाएंगे। इस सब के अलावा ना एक बहुत ही बेसिक सा और प्यारा सा एग्जांपल इसमें गिवन है। फॉर एग्जांपल इफ़ मोबाइल फ़ोन फॉल्स इनटू अ बकेट ऑफ वाटर, आज के जो यंगस्टर्स हैं ना ये इस एग्जांपल को तो बहुत दिल से समझेंगे कि अगर सपोज़ आपका फ़ोन पानी में गिर जाए, टूट जाए, खो जाए, तबाह हो जाए, निपट जाए, कुछ भी हो जाए आपके फ़ोन को, तो सोचिए आपके अंदर जो भी फीलिंग्स आएंगी ना उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मतलब कि ऐसी सिचुएशन आपके माइंड में अपने आप भी चल सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाएंगे, ये चीज़ आपके अंदर अलग सा ही एक तरीके का ना टॉर्नेडो बनने लग जाएगा इस सिचुएशन के बाद में। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको कि ये जो एक्सप्रेसिव फंक्शन है ना ये उस टाइम पे है जब आप अपने आप में भी इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब आप कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत आपने कुछ देखा, तो आप उस चीज़ के लिए मन में सोच सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, या खूबसूरत मतलब मेल फीमेल, या कोई थिंग आपने, कोई ऑब्जेक्ट देखा, कुछ चीज़ देखी, मतलब कुछ भी आप उसको अपने मन में भी सोच के खुश हो सकते हैं। तो ये फीलिंग्स होती हैं एक्सप्रेसिव फंक्शन में, मतलब कि जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में ही इसके लिए इनफ हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और हैं, आप यहाँ पे प्लीज़ इसको देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन में क्या आता है, एंगेजेस द एड्रेसेस डायरेक्टली एंड यूजुअली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग और प्रिवेंटिंग एन एक्शन। इसमें देखिए एग्जाम्पल से आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कम हेयर एट वंस, और यहाँ पे ना ऑडिट लिखा हुआ है बट मैं अदिति बोलूँगी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। तो अदिति कम हेयर एट वंस मतलब कि आप किसी को बुला रहे हैं या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो दो तरीके से होता है। जब आप कुछ बोलते हैं या तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ना तो आपके सेंटेंस में प्लीज़, शैल, शुड इन सब वर्ड्स की ना यूज़ करेंगे जिससे आपको आपके सेंटेंस की पोलाइटनेस पता चलेगी। लेकिन जब आप ऑर्डर देते हैं ना तो उसमें आप ऐसे प्लीज़ जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, वो एक की कमांड होती है। तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या है, डायरेक्टिव फंक्शन, मतलब कि एक स्टेटमेंट आपने बोल दी और आपका टोन प्लस जिस लहजे में आपने उसको बोला है वो एक्सप्रेस कर दे कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, किस सेंस में आप उसको बुला रहे हैं, या जो भी आपने बात बोली है वो किस पर्टिकुलर सेंस में थी। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे वोकेटिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया। इसमें क्या है, इम्पेरेटिव का सबसे पहले देखते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, किसी भी वर्ड को मतलब कोई चीज़ है, कोई काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका जो एडजेक्टिव है ना वो इम्पेरेटिव है। दूसरी चीज़ रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ वोकेटिव, मतलब कि आप उसको बोलकर एक्सप्लेन कर रहे हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दे रखे हैं और मैंने थर्ड एग्जांपल दे दिया है, डोंट एवर टच माई फ़ोन, मतलब कि एक तरीके का ऑर्डर आप दे रहे हैं, गुस्से में भी बोल सकते हैं ये चीज़ को। तो मैं बार बार वैसे देखिए फर्स्ट में भी फ़ोन का एग्जांपल, सेकंड में भी फ़ोन का एग्जांपल, तो इसकी वजह ही है क्योंकि फ़ोन आजकल का एक ऐसा सेंटिमेंट हो गया ना, मतलब इससे आप सबके इमोशंस बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ जाएंगे। इसलिए मैंने ना इसमें फ़ोन का एग्जांपल दिया है, आप कोई भी एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ डायरेक्टिव फंक्शन क्लियर हो गया, मतलब तीन फंक्शंस हो गए हैं आपके पास में। नंबर फोर पे आता है फैटिक फंक्शन। देखिए फैटिक फंक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मतलब सोशल लेवल पे ना आप चीज़ों को इंटरेक्ट करके इसमें यूज़ करते हैं। दिस फंक्शन कैन बी ऑब्जर्व इन ग्रीटिंग, हाई हाउ आर यू, एंड कैजुअल डिस्कशन में, मतलब वेदर से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं। जैसे सपोज आप किसी से मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो आप उससे उसका हाल चाल पूछ रहे हैं, या फिर आप कहीं पे कलीग्स के साथ में बैठे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में वर्क करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे आप सब लोग बाहर
बाहर कहीं पे बैठे हुए हैं तो आपने वैसे ही नॉर्मल बोल दिया कि आजकल कितनी गर्मी है, या फिर मेट्रो में आप कहीं पे जा रहे हैं तो ना कुछ ऐसे सोशल टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर बात करने के लिए आपको कोई ना कोई मिल जाता है और काफ़ी अच्छा डिस्कशन उसमें हो जाता है। और कोई नहीं तो कोई जा रहा हो उस पर भी कॉमेंट पास करिए आप, और फिर उसके बाद में देखिए कि किस तरीके की डिबेट हो जाएगी अच्छे और बुरे सेंस में। तो ये सब चीज़ें आती हैं फैटिक फंक्शंस में। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपके पास में आता है वो है पोएटिक फंक्शन। पोएटिक फंक्शन क्या होता है गाइस? पोएटिक वर्ड से क्लियर हो रहा होगा कि समथिंग लाइक पोएम, मतलब कि जिन चीज़ों को, जैसे शायरी टाइप में होती है ना कि आपने इन चीज़ों को पोएट्री फॉर्म में या फिर ऐसी चीज़ों को रिलेट करके जिसको आप एक्सप्रेस कर पाएँ, जो अपने आप में ही कुछ वर्ड्स ही पूरी स्टोरी को समझा देते हैं, तो वो क्या होता है आपका पोएटिक फंक्शन। देखिए, दिस फंक्शन फोकस ऑन द मैसेज फॉर इट्स ओन सेक एंड इट यूज इन द पोएट्री एज वेल एज इन स्लोगन्स। मतलब कुछ पोएट्री में यूज़ कर रहे हैं, स्लोगन्स हैं, कोट्स हो गए, ये सब आते हैं आपके पोएटिक फंक्शन में। और ये जो फंक्शन है ना, ये एक एसेस्थेटिक या एसेस्थेटिक फंक्शन है लैंग्वेज का। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि कुछ आपने, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ एग्जाम से रिलेटेड। सपोज आप एग्जाम में ना आंसर्स को लिख के आते हैं, आपके पास में आंसर राइटिंग आती है। एक होता है नॉर्मल आंसर राइटिंग कि आपने जो पढ़ा था आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते चले गए, और एक होता है आंसर में आपने कुछ थिंकर्स को ऐड किया, फिलोसफर्स को ऐड किया, कुछ कोट्स को ऐड किया, कुछ फेमस थिंकर्स के जो कोट्स थे, कोटेशंस थी, स्लोगन से, और हिंदी में जिसको हम कहते हैं मुहावरे थे, इन सब को ऐड किया, तो उससे क्या होता है आंसर थोड़ा ज़्यादा डेकोरेटिव हो जाता है, इफ़ेक्टिव बन जाता है। तो इट मींस कि कुछ ये जो फंक्शन है ना लैंग्वेज का, ये बहुत ही इससे एस्थेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें ना आंसर को या जो पोएम है या वर्ड है, स्टेटमेंट है, उसको एक अलग तरीके की ना ब्यूटी आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपके पास पोएटिक फंक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो है मेटालिंगुअल फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ना, इसी की स्टडी हम कर रहे हैं, मतलब इस जो भी आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, वो इसी टाइप के फंक्शन से रिलेटेड होती है। दिस फंक्शन इज़ यूज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज इट्सेल्फ एज वी आर डूइंग इन दिस यूनिट। मतलब कि इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करी जाती है। सॉरी, जो मेटालिंगुअल फंक्शन है ना, इसमें आपने क्या किया, एक लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहे हैं। हाउएवर इट इज़ वेरी रेयर फॉर एनी पीस ऑफ डिस्कोर्स टू सर्व ओनली वन फंक्शन। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, एक कोई भी यूज़ है लैंग्वेज का स्पीच में, राइटिंग में, मतलब कि आप यूज़ कर रहे हैं उसको मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। कोई भी लैंग्वेज जो भी आप स्पीच राइटिंग में यूज़ करते हैं, मतलब कि एक मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। इसमें देखिए, अब ये जो चेक योर प्रोग्रेस है ना 3, इसके बाद में ना इसमें कुछ एग्जांपल्स जब आप करेंगे और इनके मैं जब आपको आंसर्स बताऊंगी ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नाउ चेक योर प्रोग्रेस 3 करते हैं। इसमें क्या चीज़ गिवन है, गिवन बिलो आर सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग वन ऑफ द फंक्शंस। मतलब कि यहाँ पे आपको ना कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे टोटल आपको 7 सेंटेंसेस गिवन हैं, और हर एक सेंटेंस में ना एक अलग टाइप का फंक्शन है, और वो 6 टाइप के फंक्शन ये वाले हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेस करे हैं, अभी समझाए हैं, एक्सप्लेन करे हैं। आपको क्या करना है, ये जो 7 सेंटेंसेज हैं, आपको ये बताना है कि हर सेंटेंस में कौन से वाले फंक्शन का यूज़ किया गया है। गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, तो प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करना और अच्छे से अटेम्प्ट करना। नाउ फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इट्स लुक लाइक इट मे रेन डजेंट इट। मतलब कि आप किसकी बात कर रहे हैं, एक वेदर की बात कर रहे हैं, और ये जो वेदर की बात आप कर रहे हैं ना, ये आप अपने आप में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जैसे सपोज़ आप 2-4 जनों में खड़े हैं, कहीं पे बाहर हैं, बस स्टॉप पे हैं या कहीं पे हैं, तो आपने देखा मौसम ना बारिश का हो रहा है या मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, तो आप ऐसे आपस में बोल देते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा जैसे बारिश हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसी बातें करने के लिए आपको कोई पर्सनल इंसान की ज़रूरत है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी और के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, किसी और के साथ में बैठ के इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। जब ऐसे टाइम का सोशल टॉपिक होता है, कॉमन टॉपिक होता है, तो उसे हम कहते हैं फैटिक फंक्शंस। तो ये कौन से में आएगा, वेदर से रिलेटेड आपने बात कर दी यहाँ पे, तो ये किस तरीके का हो गया फैटिक फंक्शंस। यूजुअली जो फैटिक फंक्शन होता है ना, इसमें हम वेदर की बात कर देंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, या बारिश होने वाली है, मौसम ख़राब हो रहा है, टाइप ऑफ ऐसी चीज़ों को आप इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये तो वैसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको देख के ही समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। नाउ देखिए, टायर्ड आइज, एकिंग फीट्स,
द कम्यूटर स्क्रैम्बल्स फॉर अ सीट, मतलब कि एक पोएम दे रखी है और जो इसमें पोएम हो, कोट्स हो, स्टेटमेंट्स इस तरीके की दे रखी हो स्लोगन्स की फॉर्म में, तो ये क्या होता है? पोएटिक फंक्शन होता है। दोनों फंक्शंस आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट वन देखिए, डोंट कम नियर मी। यहाँ पे क्या है, आपने एक कमांड दी है, एक तरीके का ऑर्डर दिया है कि मेरे पास मत आओ, तो ये क्या हो गया? डायरेक्टिव फंक्शन, मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपने कोई बात बोल दी, तो ये क्या हो गया? डायरेक्टिव फंक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ग्रास रूट्स ऑफ बायलिंगुअलिज्म, मतलब कि जो हमारा भारत है वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोला जाता है और हर किसी को कम से कम दो लैंग्वेजेस तो डेफिनेटली आती ही आती हैं। तो जब भी लैंग्वेज की बात होगी, चाहे वो किसी भी टाइप की लैंग्वेज हो, ये एक ट्रिक ही समझ लीजिए, कोई भी टाइप की लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया और मतलब कि मराठी वगैरह, कोई भी पंजाबी, ये सब कोई भी लैंग्वेज होती है ना, तो ये कौन से टाइप का फंक्शन होता है? मेटालिंगुअल। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे क्या है, हम मैसेजेस का भी यूज़ करते हैं, मैसेज कन्वे या इन्फॉर्मेशन कन्वे यूज़ करते हैं, मतलब एक तरीके की इन्फॉर्मेशन भी आपको इस सेंटेंस से मिल रही है, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है। जैसे आप कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ को ना बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं उस टाइम पे? मैसेज भी क्या कर रहे हैं? कन्वे कर रहे हैं। तो आपके पास में आप दोनों टाइप में कोई भी फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, बट मैं प्रेफरेंस दूंगी कि आप यहाँ पे मेटालिंगुअल फंक्शन को ही लिखें। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, योर ड्रेस लुक्स ब्यूटीफुल। जो किसी की आपने ड्रेस देखी या आपने किसी को कमेंट किया, ज़रूरी नहीं आप करें, जैसे सपोज़ आप मेट्रो में हैं, आपने किसी को देखा और वो आपको अच्छा लगा या लगी, तो ये बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं है कि आप जाके उसको बोलेंगे ही। और कई बार हम किसी को ऐसे ही रैंडमली देख लेते हैं और हमें कोई अच्छा लग जाता है, तो हम उसे ये नहीं बोलते हैं कि वो हमें अच्छा लग रहा है, बहुत सारे केसेस में नहीं बोलते हैं। किसी में कोई आपको ड्रेस अच्छी लग गई, किसी के शूज़ अच्छे लग गए, तो हर बार नहीं बोला जाता है। तो ये चीज़ आपने क्या की, अपने आप में ही बोली या सोची, या फिर आप बोल भी रहे हैं तो किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? एक्सप्रेसिव फंक्शन। क्योंकि ये चीज़ बोलने के लिए कि उसकी ड्रेस सुंदर लग रही है या वो खूबसूरत लग रही है या लग रहा है, तो ये चीज़ें बोलने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेसिव फंक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट है, द प्लेस लुक नीट एंड क्लीन। तो जो प्लेस है वो कैसा दिख रहा है? नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने एटीट्यूड को बता रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ आपको पसंद आ रही है, तो ये क्या हो गया? रेफरेंशनल फंक्शन। देन लास्ट वन इज़, इंग्लिश सेंटेक्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिंदी। अगेन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लैंग्वेज की, इंग्लिश और हिंदी की, ये डिफरेंस बताया जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया? मेटालिंगुअल फंक्शन। ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, बट मैं क्या करूँ, चीज़ें थोड़ा ना एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो माय डियर व्यूअर्स, आपका ये चेक योर प्रोग्रेस 3 कंप्लीट हो गया है। एंड अगेन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम चेक योर प्रोग्रेस 4 करेंगे, और फिर उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस 5, दो चेक योर प्रोग्रेस बचे हैं, उसके बाद में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और आप पढ़ते रहिए, आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए आप मुझे कॉमेंट करिएगा, जितना मुझसे होगा मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। नाउ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।